हेलो फैमिली वेलकम वेलकम बैक टू चैनल द हेल्प ब्रदर्स तो आज का ब्लॉग रहने वाला है थोड़ा सा कुछ मैंने सिस्टर के साथ एकदम मस्ती वस्ती करी है और प्रिंस ने अपने बर्थडे की शॉपिंग कर ली है एंड uh, और भी बहुत से सिनेरियोस रहे हैं तो बहुत मजा आएगा ब्लॉग को देखने में छोटा सा ब्लॉग है एंड तक देखना क्योंकि आप डेली ब्लॉग चाहते हो तो डेली ब्लॉग में तो जो रहेगा वो रहेगा तो फटाफट चलते हैं वीडियो में हेलो फैमिली किद्दा जी सो इट्स अ न्यू डे विद अ न्यू ब्लॉग तो गाइज़ आज मैंने उठते ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया बिकॉज़ कल एक्चुअल क्या हुआ था मेरे को ब्लॉग एडिट करना था पुराना वाला वो एडिट करने के चक्कर में काफ़ी दिन निकल गया मेरा और मैं ब्लॉग अगला स्टार्ट ही नहीं कर पाया और अप्रोक्स शाम तक मतलब तीन चार बज चुके थे उसके बाद मुझे याद आया तब तक मेरे घर पर कजन्स आ रखे थे मस्ती वस्ती चल रही थी और वीडियोज़ वगैरह ऐसी फ़ोन से बन रही थी तो पॉसिबिलिटी बन नहीं पाई व्लॉग कंटिन्यू करने की मतलब आगे बनाने की अगला ब्लॉग तो सॉरी फॉर दैट कि कल ब्लॉग नहीं आ पाया बट अभी मैं अपनी साइड से बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबिलिटी करूँगा कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ बट अगर मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है जैसे आज कल, तो माइट भी अभी आपको एक से दो दिन और ऐसे चलना पड़े कि एक दिन बाद ब्लॉग माइ आए मतलब एक दिन का स्किप मिले शायद नॉट कन्फर्म ठीक है तो अभी साढ़े ग्यारह हो चुके हैं हम उठ चुके हैं ब्रश व्रश अभी कुछ नहीं किया जस्ट उठे थे मैंने सोचा आज तो स्टार्ट कर ही दो ब्लॉग अदरवाइज कल की तरह आज भी ब्लॉग रहना जाए हमारा और अभी धूप है आज बाहर थोड़ी सी आज नहाएंगे मज़े से धूप में बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए उसके अलावा आ, वीडियोस जो थी मैंने रात को ज़्यादा नहीं तीन चार ही बनाई थी तो माइडो भी वीडियोज़ बनाएंगे प्रिंस का तो आपको पता ही है भंगड़ा प्रैक्टिस चलने वाला है और आगे का जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम दिखेगा उसके अलावा खाने वाने में आज बना है आलू मेथी पालक आलू मेथी इधर इधर देख लो सब तो ये लोग बैठ के आराम से देख रहे हैं टीवी हमारे घर पे सुबह से भजन शुरू हो जाते हैं अब लोग सात आठ बजे से और जब तक चैनल चेंज ना हो वही चलते रहते हैं मतलब अच्छी बात है नॉट बैड ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि चलते रहते हैं बहुत अच्छी बात है और आवाज़ कम रहती है बिकॉज हम सोए होते हैं मोटिंग साढ़े ग्यारह बजे हैं तो अभी उठ चुके हैं चैनल वैनल चेंज होगा खाना वाना खाएँगे तो खाना वाना खाएँगे जो भी रहेगा देखते हैं खाना वाना खा के नहा धो के हो चुके हैं फ्री अभी आराम से धूप सीख रहे थे काफ़ी टाइम से हम छत पे मुझे लगता है कि सर्दियों में और कुछ काम होता ही नहीं है और आज हमारे सामने वालों ने तोते रख रखे हैं उनकी ची 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 आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कभी कभी बंदे को इरीटेशन होती है बट आज अच्छा लग रहा है बहुत मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं मेरे हिसाब से मेरे और लाइफ में कभी नहीं पता लगता है क्या करना है कैसे करना है कभी लगता है सब बेस्ट चल रहा है कभी लगता है कि यार कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें जैसे चल रही होती हैं गो विद द फ्लो कभी कभी मैं भी गो विद द फ्लो नहीं होता हूँ मैं बहुत टेंशन ले लेता हूँ चीज़ों की यार ये अच्छा नहीं हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा नहीं जा रहा है वैसा नहीं जा रहा है बट आई थिंक सो कि अब हमें थोड़ा सा यू नो कूल माइंड हो जाना चाहिए एंड ये थोड़ी मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं फोकट में बिकॉज आई आवर्स थिंकिंग कि कभी कभी आपको मोटिवेट भी करना चाहिए आप लोग मुझे मोटिवेट करो मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ और आजकल क्या सर्दी है तो कुछ खास खासा काम होता नहीं है मेरे को एक चीज़ पूछनी चाहिए स्किन पे बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं ना ड्राइनेस खुश की जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है कोल्ड क्रीम बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ बट उससे मेरे को ख़ास फ़र्क नहीं दिख रहा है तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो मेक श्योर sure आप बताइएगा और अभी एक मस्त जहाज़ हमारे सिर से गुजर रहा है दिखेगा तो नहीं आपको छोड़ो उसको और मुझे ये पूछना था आपसे कि जो हमने लास्ट ब्लॉग बनाया था चैलेंज ब्लॉग वो आपको कैसा लगा बिकॉज बहुत लोगों की डिमांड थी बनाओ 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 तो हमने एक चैलेंज ब्लॉग भी बना दिया आपकी डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं प्रॉपर नहीं चल पा रहे बिकॉज आपको पता है का शेड्यूल होता नहीं है और मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा आजकल यू नो बिज़ी चल रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा और अभी धूप सेक रहे हैं मज़े से और कुछ है नहीं करने के लिए प्रिंस आएंगे रात को उनको दिखाई दूंगा मैं आपको उनसे मस्ती वस्ती करते हुए और प्रिंस का शेड्यूल थोड़ा सा भी बिज़ी चल रहा है बर्थडे है जनाब का दो दिन बाद पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हम उसका बर्थडे नहीं मनाने वाले हैं बिकॉज़ उसको भंगड़ा प्रैक्टिस से छुट्टी नहीं मिलने वाली है सो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ बैड और सैड बट देखते हैं इस कुछ पॉसिबल हो पाता है तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट बाकी देखते हैं क्या होता है तो अभी मैं धूप सेक लूं थोड़ी सी और आलस चढ़ा हुआ है बहुत उसके बाद किसी के साथ वीडियो बनाने जाऊंगा तो वो करते हैं अदरवाइज देखते हैं ते गाइस इथे ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਟੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਪੂਸੀਆ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਐਂਦਾ 24 ਘੰਟਾ ਇੱਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਐਦਾ ਨਾ ਥੱਥੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ ਐਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਐਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਥੀ ਹਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤਰੱਕ ਥੱਥੀ ਬੋਂਗਾ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਮਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਮਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਮਮਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੜੀ 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 ਗਾਇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਲ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੜਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਆ ਦੇਖੋ लड़न की कोशिश हाँ तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं थोड़ा बाहर तो मैंने सोचा एक बार आपको अपडेट कर दिया जाए कि हम अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर उसके बाद शाम को वापस आएंगे और आप देख सकते हो ये शॉपिंग हो रखी है प्रिंस के बर्थडे की अपनी कर लिया है शॉपिंग कपड़े वपड़े तो अभी नहीं दिखाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट चाहे नहीं करना पर कपड़े तो ले सकते हैं ना तो मेरे पास भी कुछ आउटफिट्स डन कर रहे हैं मेरे को अभी एक आउटफिट मेरा एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारा कलर सेम होने वाला है तो आप गेस करो कौन सा कलर होगा आप गेस करना चाहोगे चुप रहिएगा कोई गैस करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनको गैस करने देना हमें ठीक है ठीक है चलिए चाय बनाइए और पोचा लगाइए चलिए चलिए भागी यहाँ से तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं मम्मा भी देख लो आप मम्मा कौन सा काम है मेरी मेहंदी मेहंदी लगा ली है बेटा का जन्मदिन आ रहा है तो है मम्मा yes. क्यों ऐसा हमें चूट बोलती जा रहा है कोई बर्थडे के लिए मेहंदी वंदे लगाइए कल हमारे फंक्शन है उसके लिए मम्मी ने लगाई है और अभी मम्मा छिल रहे हैं आलू गोभी आज बनने वाली है आलू गोभी और कल बने से चावल अब तक रोल रहे हैं देख लो जैसे आप रोल रहे, रहे हैं मतलब एज अ ही जा रहे हैं चावल कोई खा नहीं रहा है खास वाले उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता सांस चढ़ गई है तो लास्ट टू लास्ट तो बात देखो यहीं पे आती है कि जो भी करना है जैसे भी करना है ये चौड़ी और ये मेरे साथ मैं नहीं हूँ और रात लम्बिया लंबिया वे कटे तेरी संगिया संगिया वे तो मैं भी हूँ लंगियाँ लंगी अवे अगे न फिर वापस बब्बाई तो गाइज यहाँ पे सफाई अभियान शुरू हो चुका है अच्छे से सफाइयाँ वफाइयाँ चल रही हैं रिंगलेट लाइट लगा लिया अभी बनने वाली हैं वीडियोस और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर क्यों नहीं गया तो गाइज सने ये हो चुका था कि हमारी एक्टिवा का टायर ये एक्टिवा का टायर पंचर हो गया था जिसके कारण मैं घर नहीं जा पाया और यहीं हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए इनके कपड़े लेके डाल दिए हमने और अभी हम शूट करने वाले हैं कुछ रील्स एंड आज प्रिंस से आपको नहीं मिलवा पाए सो आई एम सॉरी फॉर देट पहले मैंने सोचा था मैं घर चला जाऊँ किसी भी तरीके से बट बट फिर मैंने सोचा अगर रास्ते में पेंचर होगी तो मेरे लिए होर मार ला तो दूर, दूर दूर दी <laughs> हो दूर दूर दी मार ला तो फिर मुझे लगा कि रास्ते में पेंचर हो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मतलब ना यहाँ का ना वहाँ का तो इसलिए मैं यहीं आ गया लास्ट ऑप्शन मेरे पास कुछ नहीं था मतलब रास्ते में मैं चला गया था वैसे तो दोबारा पेंचर हो तो मेरे को इसको बुलाना ही पड़ेगा फिर लास्ट और अभी ये भाग रहे इधर उधर सर वीडियोस वीडोज़ बनाओगे आप अभी ये ये तो अभी हम वीडियोस वीडियोज़ बनाने वाले हैं और प्रिंस ने आज अपनी शॉपिंग कर ली थी बर्थडे की जैसे मैंने आपको बता ही दिया था मेरा वैसे बर्थडे बनाना नहीं है तो शॉपिंग का कुछ बनता तो है नहीं पर फिर भी हमने भी कर लिया शॉपिंग और देखते हैं जो भी रहेगा अभी मैं आपको कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ और रिवील का मतलब अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्या रहेगा तो जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा आपको दिखा देंगे अभी हम वीडियो की तरफ चलते हैं वीडियोज़ वीडियोज़ बनाते हैं और उसके बाद थोड़ी और बातचीत करते हैं आपसे ठीक है तो अभी मैं चलो वीडियो बनाने फिर सो गाइस फाइनली वी आर डन विद द वीडियोस और टाइम बारह अट्ठतीस पर इन्होंने शीशा साफ किया था अभी मैंने पुराने क्लिप का टाइम देखा है और अभी बच चुके हैं चार 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 अभी बच चुके हैं चार तो अप्रॉक्स कितने घंटे हो गए साढ़े तीन घंटे ना गाइस डेडिकेशन देख रहे हो आप हंड्रेड परसेंट दोनों के फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया है मतलब इसके फ़ोन का हंड्रेड परसेंट ख़त्म हो गया है मेरे फ़ोन का हंड्रेड परसेंट ख़त्म हो गया है इसके मम्मा के फ़ोन का हंड्रेड परसेंट नेट हमने ख़त्म कर दिया है कल वीडियोस कैसे बनेंगे कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज अभी इन्होंने वाईफाई नहीं लगवाया फिलहाल के लिए एंड मैंने लेथ पे किए हैं जो दिख नहीं रहे होंगे आपको वो से थोड़े डार्क हैं और ये सिर्फ लाइट में ही दिखते हैं मतलब मेरे वाले थोड़े लाइट है मुझे लगता है और अभी ये नाखून खा रहे हैं बड़े मज़े से इन्हें कुछ और खाने को तो मिला नहीं और इन्होंने अभी न्यू पेंट करवाया ये वॉल और ये वॉल के साथ इतनी सेक्सी वीडियोज आई ना भाई साहब मतलब मज़ा आ गया सही में मज़ा मतलब आ, मतलब आ गया ना मज़ा ही मज़ा बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ आई हैं आपको देखने को मिलेंगी कल मतलब ये व्लॉग लेट आएगा आई गेस वीडियोस पहले आ जाएंगी बाकी आई डोंट नो आज बहुत सारी वीडियोज बना रहे हैं हमने बहुत सारी मस्ती करी प्रिंस ने तो शॉपिंग कर ली अपने बर्थडे के लिए मैंने भी शॉपिंग नहीं करी थी मैंने आपको ये बहुत बार, बार बार बता दी बात बट मुझे लगता है कि कोई बात नहीं चलता है बिकॉज मेरी शॉपिंग अभी पेंडिंग पड़ी है थोड़ा सा वो करूँगा अभी स्नैपचैट पर मेरी गंदी गंदी फ़ोटो खींच जा रहा है बिना मतलब से जैसे आप देख सकते हो तो गाइस आज का शेड्यूल यही था बस अभी नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली सोने वाले हैं मैंने सोचा ब्लॉग एडिट कर दूंगा बिकॉज सुबह मेरे को हेयर कट करवाने भी जाना है और और कोई शेड्यूल तो नहीं अपना सुबह नहीं और तो कोई शेड्यूल नहीं है जो रहेगा जैसे रहेगा आपको दिखाते रहेंगे और अभी के लिए गाइस गुड नाइट और गुड नाइट बस गुड नाइट तो क्या रात को जल्दी जल्दी में हम ये कर नहीं पाए थे पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज एंड फॉर वीडियो होप यू आई लव इट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना करा नोटिकेशन बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलेगा एंड न्यू ब्लॉक क्या रहने वाला है ये आपको भी पता है बिकॉज आज चार तारीख है जब मैं इसको भी बना रहा हूँ पाँच तारीख को है प्रिंस का बर्थडे सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार रहेगा सो वो बिल्कुल भी कोई स्किप मत करना और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय